एक और वीडियो में हम आपके सामने आए हैं वृष राशि को लेकर। वृष राशि 12 राशियों में बहुत महत्वपूर्ण राशि मानी गई है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी राशि में हुआ, अर्थात भगवान कृष्ण की भी यही राशि थी। वृष राशि का सन 2022 और 23 में क्या स्थिति रहने वाली है, मैं थोड़ा सा आपको संकेत दूंगा। वृष राशि वालों का इस वर्ष व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी, खर्च अधिक रहेगा, और कोई भी काम, सरकारी काम हो या प्राइवेट हो, रिश्वत देकर के काम चलाना पड़ेगा। आपसे कोई भी रिश्वत मांग सकता है, तो व्यर्थ का खर्चा और न्यायालय में भागदौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा विवादों से बचे। इसके अलावा मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी आदि में कोई ना कोई व्यवधान, परेशानी अचानक आ सकती है, और निर्माण कार्य भी आपका हो सकता है, किसी काम में निर्माण कार्य हो और शुरू हो इस वर्ष। इसके अलावा आपको नौकरी, अगर आप तलाश कर रहे हैं बहुत दिन से, तो आपको कोई ना कोई ऑफर नौकरी का जरूर मिलेगा, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी नौकरियां आज की डेट में देश में बहुत कम है, प्राइवेट की संभावना ज्यादा बन रही है। और जब शनि स्वग्रही होता है केंद्र में, तो मनुष्य के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अच्छी ऑफर आने लगती है, भाग्य खुल जाता है। और अभी वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति ट्रांसिट मोशन में इतनी अच्छी स्थिति में, लाभ स्थान में, धन का लाभ होगा और आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। और जो कुछ लोग जो आपसे अधिक खर्च करा रहे हैं, उसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, जो वरिष्ठ लोग जो आपके लिए आपके पक्ष में खड़े होंगे, आपको उनका संरक्षण या उनका सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको किसी भी फाइनेंशियल मैटर में, जैसे आप काम करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे ये काम पैसे की वजह से रुक सकता है, तो उसी समय आपके पैसे का इंतजाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी, और पिछला रुका हुआ जो आपका धन था, पैसा था, वो आपको मिल जाएगा। ऐसा बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर इस वर्ष और अगले वर्ष होने वाली है। आपका कुल मिला करके ये देखा जाए तो अच्छा रहेगा ये वर्ष भी और अगला भी, लेकिन इस बीच में आपके माता पिता के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसीलिए वृष राशि के जातकों से ये निवेदन है मेरा कि भगवान शिव की उपासना, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें, अभिषेक करें, और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको चारों तरफ से सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपके शत्रु नष्ट होंगे, आपको बाधा नहीं आएगी और आपके कार्यों में निरंतर प्रगति होगी, मार्ग प्रशस्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।